खैचम खैच है, पूरी खैचम खैच। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, जय श्री श्याम। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। ये आयुष स्कूल जा रहे हैं, और ये ऋषिवन्या। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप बोलो ऋषिवन्या जी, क्या कह रही थी? गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री श्याम। गाइस अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। चलो बच्चों को पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा आती है इसलिए मुझे क्लिस क्लिस के उठना पड़ता है। क्लिस के उठना पड़ता है। रात को जल्दी क्यों नहीं सोती आप? मैं जल्दी तो सोती हूँ, आज तो सोई हूँ पहली बार। आज रात को जल्दी, आज रात को पहली बार जल्दी सोई है जब भी क्लिस के उठी है। जल्दी सोने के बाद भी नहीं उठ पाती है। गाइस सब बच्चों का तो यही होगा कि सुबह को वो रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह को जल्दी नहीं उठते। सुबह को आलस आता उठने में। हमें नहीं रहना, हमें ये लगता है कि आज संडे है। संडे नहीं है, आज आज मंडे है। एग्जाम भी आ रहे हैं ना, ध्यान है ना, निकुच के भी हैं भैया के। गाइस कल तो 5 डेट है ना, कल गाइस ट्यूसडे है। गाइस कल टीचर डे भी है। गाइस कल टीचर डे भी है। गाइस आज तो रोड पे भीड़ कम सी लग रही है ना, कोई इतनी भीड़ नहीं लग रही। खाली खाली रोड। स्कूल का टाइम निकला जा रहा है। स्कूल का टाइम, ओ सही बात है, 8:30 बत्तीस हो गए भाई। चलो पहुंच जाएंगे 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट, 5 मिनट पहुंच जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट में पहुंच रहे, इसे भी छोड़ने जाना है। बच्चों को तो स्कूल छोड़ दिया है, घर चल रहे हैं। और निकुंज ने आप लोगों को बता ही दिया होगा कि उसका एग्ज़ाम है, तो उसकी वीडियो मैं बनाए करूँगा। आ जाएगा रहेगा वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन आपको पता ही है टेस्ट में भी नंबर कम आए हैं उसके, तो इसीलिए जितना पढ़ लेगा उतना बढ़िया है उसके लिए। ठीक है ना गाइस, तो चलो घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। करेंगे कुछ ना कुछ, बनाएंगे आपके लिए, मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही। आज मैंने इन्हें कुत्तों को भी नहला दिया। आज जो अपने डॉगी हैं ये बहुत दिनों से गंदे हो रहे थे, गर्मी भी हो रही थी ज़्यादा, तो आज इनकी भी सफाई कर दी। छानी छानी, ये भी नहा लिया। टाइसन भी नहा लिया, टाइसन नहा लिया भाई, नहा लिया जुकी जुकी, नहीं नहीं होगी। और ये भी खुजलो मैया, ए तू भी नहा ली ना, उसको भी नहला दिया। टोनी का बच्चा दाल दाल कच्चा, बस खुजा दो नाला है, खुजा दो खुजा दो खुजा दो खुजा दो, है देख। चलो चलते हैं बच्चों को लेने। ओहो पहले ट्रैक्टर हटाना पड़ेगा, ये तो ट्रैक्टर बीच में लग रहा है। चलो इसे साइड करता हूँ फिर गाड़ी निकालता हूँ जल्दी से, आज लेट हो गए बच्चों को लाने के लिए। गॉड सीट तो बहुत गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे जाएगा। गाइस लगे तो बता देना, इसका मोड़ ऐसे होता है, काटो इधर को जाती उधर को। ड्राइविंग सीट पे वरुण भी नहीं है, वरना वरुण चलता मेरे साथ, वो भी सीख जाता है गाड़ी चलाना इसी बहाने। वरुण गया है पिलानी अपनी मौसी के पास, मौसी का जो उनका बेटा है ना वो इंजीनियरिंग कर रहा है पिलानी से,
तो वो वहीं गया हुआ है, पता नहीं कब तक आएगा, शाम वाम तक ही आएगा, कल गया था। चलो मैं फटाफट बच्चों को ले आऊँ, पहले लेट हो गया काफ़ी, 1:10 तो यहीं हो गया, फिर आके उनको भी लेके आना है दूसरे बच्चों को। ठीक है चलो पहुँचते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ठीक है बाय। ये देखो गाइस, एक स्कूटी पे 3 जने, ना कुछ हेलमेट ना कुछ, आधे लोग नहीं तेज जा रहे हैं बिल्कुल भी, वो नहीं डर लगता लोगों को कि बिना हेलमेट के चलाना इतना भारी पड़ सकता है, आधे लोग नहीं तेज जा रहे हैं गाड़ी लेके, नहीं क्या हो गया लोगों को, सेफ्टी पहले है गाइस, रोड पे चल रहे हो तो सेफ्टी पहले है। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, ये जा रहे हैं देखिए, खैचम पूरी खैचम। पता नहीं क्या स्वाद आता है ना तेज चलाने में, क्या मजा आता है, लोग डरते ही नहीं है बिल्कुल भी, रोड पे भी चलेंगे तो इस बीच वाली लेन पे कार वाला कहाँ चलेगा, इनको बचाने चक्कर में गड्ढे में कूदेगी या इनके लग जाएगी तो फिर ये जाके पड़ेंगे, नुकसान किसका, इन्हीं का, गाड़ी वाले को नुकसान नहीं होता फिर भी बच जाएगा वो, लेकिन स्कूटी बाइक वगैरह इन पर कम से कम संभल कर चलना चाहिए, सही बात है ना, नहीं गाइस सही कह रहा हूँ ना मैं, सेफ्टी पहले है ना। चलो पहुँचने वाला हूँ बच्चों के स्कूल। गाइस मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे स्कूटी वगैरह पे या बाइक वगैरह में या मतलब मोटरसाइकिल वगैरह में साइड मिरर लगा के देते हैं, वो किस लिए देते हैं, साइड देखने के लिए ना गाइस, तो लोग उतार के क्यों फेंक देते हैं उसको, मैं तो कह रहा हूँ उनका लोगों को चलान होना चाहिए, ऐसे लोगों का पीछे देखते हैं नहीं कहाँ से क्या आ रहा है कुछ नहीं, बस निकाली गाड़ी और लेके चल दिए बस, मैं कह रहा हूँ 100 में से 90% गाड़ियों में से बाइकों में से मतलब शीशे नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, ऐसा तो चलान पहले होना चाहिए, पुलिस वाले उनका चलान काट देंगे पॉल्यूशन का, हेलमेट का, भाई साइड मिरर के उससे तो सेफ्टी के उससे तो ये भी जरूरी है, नहीं है साइड मिरर होने बहुत जरूरी है, वो भी सेफ्टी के पर्पज से है, आप एकदम बाइक मोड़ रहे हो कुछ मोड़ रहे हो कम से कम पहले पीछे देख तो लो कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, शीशे होने जरूरी है या नहीं है, ठीक है गाइस जरूर बताना जरूर, और लाइक और शेयर जरूर करना। शिवन्या जी, ए शिवन्या आइस तो कल ए देख भी नहीं रही है, क्या हुआ शिवन्या जी? गाइस आज मेरे इंग्लिश के टेस्ट में ना 10 out of 10 मार्क्स आए, और आइश के इंग्लिश के टेस्ट में आई है 10 out of 9 मार्क्स। आयुष हाँ, मैं पढ़ के आया था। पढ़ के आया था, अच्छी बात है बेटा, लेकिन अच्छे नंबर है कोई बात नहीं, और मेहनत करना है, ऐसी एक ही मार्क्स से कटा है शिवन्या, मेहनत करनी चाहिए ना, वरना तो मैंने देखा आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, भैया के गंदे नंबर आए थे, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है बेटा, पढ़ना मैं तो मैं ट्यूशन में वो तो कब मैं क्या करती हूं, पहले मैं लर्न करती हूं पूरा, उसके बाद लिखती हूं, फिर मम्मी को सुनाती हूं, निकुन जैसे नहीं करता, निकुन पहले लर्न करता फिर लिखता फिर सुनाता नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि पहले लर्न करता हूं फिर सुना देता हूं है ना, फिर लिख लेता हूं। अच्छा तीन काम एक साथ हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई बहुत जरूरी बेटा, पढ़ा करो है ना, अब टेस्ट है ना, अब तो एग्जाम भी है टेस्ट भी है सब कुछ है, तो एग्जाम है क्या, कब से स्टार्ट है? एग्जाम नहीं है ये टेस्ट ही है, एग्जाम में तो फुल मार्क्स ही आएंगे, पढ़ेगा वो एग्जाम में तो हो जाएगा, एग्जाम में तो फुल, हां शाबाश मेहनत से पढ़ना है ना, और फाइनल एग्जाम में जब हमारे सारे वो मार्क्स गिने जाएंगे फाइनल एग्जाम में, तो वो उसमें तो मैं और मेहनत करूंगा, मेहनत करना शाबाश वेरी गुड, चलो घर पहुंच जाए फटाफट है ना। तो गाइस आज बुआ जा रही है बच्चों को लेने, रुद्र और वंशिका को लेने के लिए, ये चला रही गाड़ी, आराम से चलाओ मैडम आराम से, बस स्कूल पर पहुंच ही गए हम भी, उनको लेते हैं फिर घर चलते हैं बच्चे, चलो बुआ इनकी गाड़ी लेके चलो, बुआ बच्चों की बुआ काटो, हाँ सही है, चलो आराम से
तो गाइस कल मुझे जाना है सुबह मॉर्निंग में देहरादून, सुबह 5 बजे करीब निकलूँगा मैं, क्योंकि मुझे तराक्षी को छोड़ के आना है वहाँ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कैसा बनाया मैंने ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है ना, तो जरूर 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 है ना। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। और गाइस देखो पीछे का कौन खड़ा है, देखो कौन खड़ा है, देखो भैया, भैया तो नहीं, भैया नहीं आएगा, भैया पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो ओके बाय बाय गाइस, कल मॉर्निंग मिलते हैं, मॉर्निंग में बनाऊंगा मैं जाते हुए देहरादून का, ठीक है। और गाइस कल ना टीचर्स डे, कल गाइस मैं अपनी मैम बन के जाऊंगी। मैं तो राशि मैम बन के जाऊंगी। राशि मैम ओके, हैप्पी टीचर्स डे सबको, बाय।